जो जूते आपके हो चुके हैं बेकार और खराब, जिनको आप कर रहे हैं फेंकने की तैयारी, तो रुक जाइए क्योंकि वो जूते बन सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू। वो कैसे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल बिग जेट टॉक पे। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में होता है DIY यानी डू इट योरसेल्फ, वो भी मैं करता हूँ अपने स्टूडियो में यही बैठ के। और कैसे बनाता हूँ मैं अनयूज चीजों को यूज में लाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ये वीडियो भी होने वाला है क्योंकि इसे मैं बताने वाला हूँ कि जो शूज आपके हो चुके हैं पुराने, जिनका कलर हो चुका है डल, उन्हें आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू। चलिए दोस्तों बात करता हूँ अपने शूज की। मेरे पास शूज पड़े हैं व्हाइट कलर के, ये देखिए, और इनका हो चुका है कलर फेड। और कह सकते हैं कि कई कई जगह हो चुके हैं स्क्रैचेस, खराब हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए शूज को 150 रुपया देगा। तो जैसे कि शूज है मेरा कि ये हो चुका है खराब, और जैसे कि आपको पता है कि पूरा व्हाइट कलर का है, और इसे ही मैंने मंगाया था बाका बुकी से, और ये शूज चला था मेरा 1.5 साल से भी ऊपर। देख सकते हैं आप इस शूज को, और अगर ये शूज आप मंगाना चाहते हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं रेकमेंड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और आप वहाँ पे जाके इसके और कलर वेरिएंट भी देख सकते हैं और वैरायटीज भी। चलिए करते हैं वीडियो की बात और इसे बनाते हैं ब्रांड न्यू। तो इसमें मैं करने वाला हूँ स्प्रे पेंट। जैसे आपको पता है कि मैं शूज नए बनाने के लिए स्प्रे पेंट का यूज करता हूँ, और जो भी कलर आपको पसंद है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसे बनाने वाला हूँ व्हाइट और येलो कलर का। यार येलो कलर दोस्तों जैसे आपको पता है कि बहुत ब्राइट कलर है, पैरों में बहुत अच्छा लगता है और कलरफुल जिंदगी होनी चाहिए, तो मैं वैसे ही बनाने वाला हूँ। तो इस शूज में जहां जहां खराब हुआ है, जैसे कि इसकी स्ट्रैप्स थोड़ी सी डल हो चुकी है, उसकी स्ट्रैप्स में मैं करने वाला हूँ येलो कलर, और साथ ही साथ मैं इसके आगे वाले पोर्शन में भी करने वाला हूँ येलो कलर, जो यहाँ से केवल यहाँ तक है, देखिए यहाँ से केवल यहाँ तक। और रही बात इसके पीछे वाले पार्ट की, तो पीछे वाले पार्ट में दोस्तों पूरा नहीं करूंगा मैं इसकी ऊपर की जो पत्ती है खाली यहाँ पर करने वाला हूँ, ताकि ये कलर कॉम्बिनेशन में आ जाए। बस इतना ही काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा कलर करेंगे तो दोस्तों ये खराब भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि इन जूतों को नया बनाने में क्या क्या सामान लगने वाला है। तो पहले तो चाहिए आपको शूज स्प्रे पेंट। दोस्तों मैंने येलो स्प्रे पेंट मेरे पास है, ये पोलो कंपनी का है, और आप चाहे तो और अदर कलर भी मंगा सकते हैं। इसमें बहुत अदर कलर है यार दोस्तों, मैं बताता हूँ, फ्लोरोसेंट कलर्स भी हैं, तो आप चाहे तो वो भी न्यूयॉर्क कलर ही मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कलर मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। और जरूरत पड़ेगी आपको मास्किंग टेप की, जैसे कि आप देखते हैं कि मैं हर वीडियो में जहां पे स्प्रे पेंट करता हूं वहां मास्किंग टेप का यूज जरूर करता हूं। बहुत सेफ है दोस्तों, इसे यूज करना और इसे निकालना बहुत इजी हो जाता है, और ये पेंट को बिल्कुल भी नहीं फैलने देता। हालांकि देखिए स्प्रे पेंट करते समय ये मैं आपको बोलूंगा तो ये कम पड़ जाएगा आपको, अगर आप पूरे शूज कवर करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई यूज तो करें लेकिन साथ में कोई भी वेस्ट न्यूज़पेपर जरूर ले लें, हम उस जगह को न्यूज़पेपर से कवर कर लेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर स्प्रे पेंट को ट्रांसफर नहीं करता है। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वर्क एरिया में और बनाते हैं उसको ब्रांड न्यू, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो गया तो मुझे पता है आपको मजा नहीं आने वाला। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपको मेरे वीडियो में मजा ना आए, तो अगर आपको मजा आया तो लाइक कर दीजिए, हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए फिलहाल करते हैं इस जूते को बिल्कुल ब्रांड न्यू। आइए चलिए करते हैं पहले शूज को कवर, देखिए। और एक तो इस स्ट्रैप को करेंगे, एक इस स्ट्रैप को येलो करेंगे, एक इस वाले पार्ट को येलो करेंगे, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, और एट दी एंड हम इस स्ट्रिप के ऊपर वाले पार्ट को ये वाइट रहने देंगे। चलिए करते हैं शुरू, पहले से करते हैं कवर।
सो मेरा पेंटिंग का काम हो चुका है फाइनल। मैंने स्प्रे पेंट मार दिया है शूज में पूरा और मैंने इसे 24 घंटे यानी एक दिन दिया है पूरा सूखने के लिए और पेंट को पक्का होने के लिए। और यकीन माने दोस्तों शूज इतना बेहतर बन के आया है, मैं आपको दिखाता हूँ शूज कैसा लग रहा है। ये देखिए वाओ, ये देखिए शूज को मैंने मल्टी कलर करा था, मैंने व्हाइट और येलो, और जिस पार्ट को मैं व्हाइट रखना चाहता था मैंने उसे रखा है व्हाइट, और जिसको मैं कलर करना चाहता था उसे रखा है मैंने कलर। इससे जो शूज की डिसेंसी है वो खत्म नहीं हुई है, बहुत डिसेंट लग रहा है शूज और मजा आ रहा है देखने में। अब आप इसे पहन सकते हैं, डेली यूज में ला सकते हैं, और शूज अगर कोई आपके पैर में देखेगा तो बहुत बेहतर लगने वाला है शूज। और दोनों के दोनों पैर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितने बेहतर लग रहे हैं, वाओ ये देखिए। और ये काम मेरा पूरा हो चुका है और शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो दोस्तों ये जो था वीडियो DIY कैसे अपने पुराने शूज को करें नया ब्रांड न्यू अपने घर पे ही। तो दोस्तों यही था इस पूरे वीडियो में कि कैसे अपने पुराने शूज को आप नया बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताएं, और प्लीज जब आप चैनल में आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों इस शूज के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का स्नैपशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। याद रखिएगा मेरा वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिग जे साइनिंग आउट। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने अपने कार के अनयूज्ड टायर को कैसे बनाया एक सिटिंग इक्विपमेंट में, वो भी अपने घर पे, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है कलरफुल, और कैसे मैंने इसे पूरा किया फिक्स जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं, एक्साइटेड है, चैनल कर दीजिए अभी सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाला वीडियो होने वाला है इसका। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे।